नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मुनिवेदिता बुलेटिन पूर्वरु हेडलाइंस जाजपुर मामुभणजा मनुष्यकृत घाई मामला विधायक प्रणव बलवंतराय समेत छह जन को लोकायुक्त नोटिस लिस्ट में प्रणव मामू नरेन जेना ना छह सप्ताह हाजर होगाक नोटिस भुवनेश्वर जदुपुर अंचल जनक उठाई नेला एनआईए गिरफ छात्र को खंडगिर थाना अटक रखी पचरा उचरा अंतराज्य बंदूक राकेट लिंक रे खोलताल करुछि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम भिजिलांचल रे कोटिपति जंत्री आयभूत संपत्ति ठूल अभियोग आर एंड बी डिविजन फाइव सहकारी जंत्री घरे भिजिलांस रेड शारदा गौड़ों एककालीन पांचटी घरे चढ़ो राज्य में चौबीस घंटे 1931 पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटीन 1120 स्थानीय संक्रमण 811 खोर्धार सर्वाधिक 273 चिन्हट पुणी 13 मुंड नेला महामारी राज्य में युवती चलाण राकेटर पर्दाफाश मध्यप्रदेश उद्धार हेले मयूरभंज अंचल दुई युवती 120,000 टंकार बिक्री अभियोग तीन दलाल गिरफ नवंबर 5-7 तारीख जाए युक्त दुई ऑप्शनल परीक्षा कला वाणिज्य विज्ञान और धंदामूलक परीक्षा पर प्रकाश पाइला कार्यसूची कोरोना पर मार्च 23-28 जाए हो पारिनथिला परीक्षा राज्य पुलिस पक्ष 61तम शहीद दिवस पालन कोरोना रे शहीद होता 41 जन योद्धा को श्रद्धांजलि भुवनेश्वर में पुलिस कमिश्नर जनइले श्रद्धांजलि आज पीठे षष्ठी मंडपे पंचमी चली नवरात्रि पूजा मंडपे मां को आह्वान चली प्रस्तुति कोरोना कटक मंदिर और शक्तिपीठ से चली नवरात्रि नीति आसवा संपूर्ण खबर को जाजपुर मामुभणजा मनुष्यकृत घाई मामला विधायक प्रणव बलवंतराय समेत छह जन को नोटिस कर लोकायुक्त लिस्ट में प्रणव मामू नरेन जेना ना रही पूर्त विभाग मुख्य जंत्री और जिलापाल नोटिस छह सप्ताह हाजर होगाक नोटिस बना समय डायनामाइट लगाई उड़ाई दिगला बंध रास्ता राति सृष्टि बुद्धली रमापुर रास्ता मझे घाई घाई मनुष्यकृत बोली स्वीकार कर जिला प्रशासन हेले मनुष्यकृत घाईर मनीष किए एजाए धरा पड़ना एने अर्गस बारंबार खबर प्रसारण हो भुवनेश्वर खंडगिर जदुपुर अंचल जे छात्र को उठाई नेला एनआईए गिरफ छात्र को खंडगिर थाना अटक रखी पचराउचरा चल तदंतकारी दल तेज अंतराज्य बंदूक राकेट चेर खोजुची नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम ओडिशा को आसुवा बेआईन बंदूक कारबार लिंक रे छात्र को एनआईए उठाई नहीं सूचना मिली संपृक्त छात्र को सका सतटू जेरा करनआईए बाहर राज्यर जड़े अभियुक्त को गिरफ्त करने बंदूक कारबार लिंक मिली रायगढ़ जिला गुणपुर ओकिलगुड़ा पत्थर क्वारी विस्फोरण मामलें तहसिलदार निलंबित गत 16 तारीख में गुणपुर ओकिलगुड़ा बेआईन पत्थर खादान विस्फोरण घटी तीन जन मृत्यु होता बेले 9 जन गुरुतर होते तेब जिला प्रशासन राज्य सरकार को तहसिलदार निलंबन पर सुपारिश करते आज राज्य सरकार तरफ तहसिलदार लक्ष्मी नारायण सावत को निलंबन कर जमापड़े एने जिला प्रशासन तरफ कौन प्रतिक्रिया मिल पारिना पोखरी में गाधोवा समय पोखरी में बुड़ी दुई भौणी मृत्यु हो गंजाम जिला खलिकोट थाना तुलसीपुर गांव में घटी अभावनीय घटना खबर पाई परिवार लोके और स्थानीय बासिंदा घटनास्थल पहुंची उभय मृतदेह को उद्धार करते मृतक दुई भौणी से ही गांव सुरेश पाहन 8 वर्ष झी खुशी पाहन और 10 वर्ष झी पूजा पाहन पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर तीर माड़ जनक मृत्यु होटना घटी मयूरभंज जिला गोरु महिषाणी थाना अंचल
कुकुड़ी मुंडी गाँव समरा देहरी निज घरे बाहर छिड़ा होता बेले गाँव छोटराय देहरी अचानक तीर माड़ करते गुरुतर अवस्था पर लोके समरा को उद्धार कर रईरंगपुर हस्पिटाल आनी डाक्तर सेठे मृत घोषणा करते अभियुक्त छोटराय देहरी घटनास्थल फेरार हो जंगल में लुचि रही बेले पुलिस अभियुक्त को धरवा नहीं चेष्टा चल विजिलेंस सेल रे कोटिपति जंत्री आर एंड बी डिविजन 5 रो सहकारी जंत्री को घरे आज विजिलेंस चढ़ो करिछे सहकारी जंत्री शारदा प्रसाद गौड़ों घरे विजिलेंस चढ़ऊ कर आयर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग मोट पांचटी स्थान में चढ़ऊ कर भुवनेश्वर विजिलेंस अतिरिक्त एसपी नेतृत्व में यह चढ़ऊ कर गौड़ों कार्यालय समेत भुवनेश्वर घरे चढ़ऊ कर गंजाम स्थित पैतृक घर और शशुर घरे विजिलेंस चढ़ऊ जारी रखी मयूरभंज जिला उदला ब्लॉक अधीन राढ़ो लुईपा डिग्री महाविद्यालय आगे अध्यापक और अध्यापिका धारणा कॉलेज रे कार्यरत अध्यापक और अध्यापिका मान को गत पांच मास दरमा मिलना पांच मास दरमा पाइन नहीं कॉलेज अध्यापक और अध्यापिका मैंने कॉलेज अध्यक्ष को अवगत कराइले सुधा कौन सुफल पाइन एपरिक ए बाबदे कप्तिपदा उपखंडर उपजिलापा तथा कॉलेज परिचालना कमिटी सभापति अवगत कराइले हेले आज पर्यंत से दरमा मिल पारा ना जहाँ आज ताति अध्यापक एवं अध्यापिका कॉलेज गेट सम्मुखें कॉलेज अध्यापक एवं अध्यापिका मैंने धारण में बसवा सहित तुरंत से बकेया दरमा प्रदान करने को दावी कर राज्य में आज 1931 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती मिसाई राज्य में मोट कोरोना संक्रमितों संख्या 274181 पहुंची आज चिन्हट होता संक्रमितों मध्य 1120 जन संगरोधर रही बेले 811 जन स्थानीय बासिंदा रही राज्य में पुणी 13 मुंड नहीं महामारी मयूरभंज में युवती चालान राकेटर पर्दाफाश चाकरी देवाक कही युवती को बिक्री करोगे तीन दलाल को गिरफ्त कर पुलिस 120,000 टंकारे दुई युवती को बिक्री करा अभियोग निभार रईरंगपुर अंचल दुई युवती मध्यप्रदेश उद्धार कर पुलिस गत सेप्टेम्बर 16 जे दलाल दुईज युवती राउरकेला स्टील प्लांट मोटा अंकर दरमार लोभ देखा नहीं तेज पर दुई युवती झारखंड राज्य टाटा रेलवे स्टेशन दिल्ली को ट्रेन जोगे परे दिल्ली रु मध्यप्रदेश सेवपुर सहर को नहीं राकेटर मास्टरमाइंड महिला को हस्तांतर करते महिला जनक युवती 120,000 टंकारे बिक्री करोग रईरंगपुर ग्रामांचल पुलिस मोबाइल ट्रैकिंग जरिया मध्यप्रदेश सेवपुर अंचल युवती को उद्धार करदेश तीन दलाल पूर्व ओडिशा झारखंड पश्चिमबंग और छत्तीसगढ़ अंचल 20 जन युवती मध्यप्रदेश में बिक्री कर स्वीकार कर दीपक बोली ना बारिपदार परिचय दे आमको नौकरी देव बोल कि राउरकेला नहीं जी बोल कि आमको बारिपदार नहीं कि रखी बारिपदारू टाटा नहीं गला टाटा दे कि न्यू दिल्ली रू दुई तीन स्टेशन नहीं कि छाड़ी आमको रखी से
बेआईन भावे चालाण कर दुईट लुआपथर बोझे डम्फर को जबत कर बहलदा पुलिस गोरु मैसाणी लौखंडी आखपाख बेआईन भाव लौहपथर खनन कर माफिया गोष्ठी झारखंड को चालाण कर पुलिस पारिपणिया को नहीं प्रश्न उठी आसुला तेज गतका बेआईन चालाण होगा खबर पाई आगर प्रस्तुत पुलिस टीम चढ़ऊ कर दुईट लुआपथर बोझे डम्फर जबत करने सहित पांच जन को गिरफ्त कर मुख्य चालाणकारी दुई तीन जन अंधार सुजोग नहीं दौड़ी पलाई पुलिस एने मामला रुजु करने सहित कारपारे जड़ित अन्य विषय में तदंत आरंभ कर प्रदूषण रोकिबाकु केन्द्रर योजना एबे हाइड्रोजन मिसा सीएनजी रे चालिबो बस केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एहार शुभारंभ करिछन्ति। दिल्ली एनसीआर उत्पादन प्लांट एवं वितरण स्टेशन रो लोकार्पण करिछन्ति केन्द्रमंत्री जहाँकि भारत को हाइड्रोकार्बन अर्थनीति करबा दिगरे एक बड़ पदक्षेप। नुआ दिल्ली रे हाइड्रोजन सीएनजी प्लांट रो लोकार्पण सबुज मार्ग अन्वेषण दिगरे ऐतिहासिक पदक्षेप। प्रथम पर्यायर 50 बस परीक्षण नूआदिल्ली में प्रदूषण मात्रा को ह्रास कर बस राजघाट बस डिपोरे भारत को नुआ आशा वाणिज्यिक हाइड्रोजन सीएनजी बा एचसीएनजी उत्पादन प्लांट एवं वितरण स्टेशन लोकार्पण यह अवसर आयोसिल और इंद्रप्रस्थ कंपानी पदक्षेप को प्रशंसा करिछन्ति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। भारत को हाइड्रोकार्बन अर्थनीति करबा दिगरे एहाकु एक बड़ पदक्षेप बोली कहिछन्ति केन्द्रमंत्री। हाइड्रोजन फ्यूल ब्लेंड होने के कारण फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्बन एमिशन घटेगी, इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से फायदे की चीज है। ये सफल होने के बाद इसको देश में अन्य राज्यों में और दिल्ली की अन्य सारे सेक्टर्स में लागू किया जाएगा। राजधानी रे जानवाहन जनित प्रदूषण को कमाइबा और भविष्य पर सबुज मार्ग अन्वेषण दिगरे यह भारत सरकार ऐतिहासिक पदक्षेप। इंडियन ऑयल द्वारा नवसृजन और टेक्नोलॉजी रे सुधार अणाई दिनकू 4 टन हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी उत्पादन प्लांट प्रतिष्ठा कर प्रथम पर्यायर परीक्षामूलक भाव गड़ी 50 बस। दिल्ली से देश की पहला सीएनजी स्टेशन जिसमें हाइड्रोजन ब्लेंड किया जाएगा उसका शुरू किया जा रहा है। भारत सरकार और दिल्ली सरकार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईजीएल और डीटीसी ये सब मिलके 50 बसों में इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परिवेश सुरक्षा पाई स्वच्छ ऊर्जा आने पाई प्रतिश्रुतिबद्ध केन्द्र देश में प्रदूषण कमाई देशवासी को उत्तम परिवेश देवाकू निरंतर उद्यम करुछंती भारत सरकार। देश को गैस आधारित अर्थनीति करिबा एवं गैस भित्तिभूमि को मजबूत करिबा को 4 लाख कोटी टंकार पुंजीनिवेश प्रतिटी भारतीयों आवश्यकता एवं स्वच्छ और निर्भरजोग्य शक्ति जोगाण होउछि भारत सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता जहाँ कुने वर्ष वर्ष पुराणा समस्यार समाधान बाहर करिबारे भारत विश्व विजेता हेबो बोली धर्मेन्द्र प्रधान कहिछन्ती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अचल हो पड़ा पिपिली सरकारी डाक्तरखाना को सचल करने दाबी तृतीय दिन में पहुंचला आमरण अनशन प्रशासन सह षष्ठ पर्याय आलोचना विफल होता कहते अनशनकारी स्वास्थ्य सेवा भली मौलिक अधिकार वंचित थिबा पिपिली अंचल जनसाधारण दाबी पूरण नहबा पर्यंत अनशन जारी रहा बेले दरकार पड़े पिपिली बजार को 14 घंटिया बंद करने खजना और अन्य सहकारी सरकारी टिकस देवे ना चेतावनी देते जदि आज अपराह्न 3टा भितर अर्थात जहाँ वर्तमान भितर दाबी पूरण न हुए तेज प्रशासन विफल हुए तेज अनशन स्थल नवीन निवास पर्यंत एक पदयात्रा बाहर बोली अनशनकारी तथा राज्य दलित आदिवासी माइनॉरिटी महासंघ सभापति विजय सेठी। राजरास्तार सोई धारणा देले क्यासर आक्रांत वृद्ध बांकी बोतलना गाँव में यह अभावन घटना देखा मिली। सूचना अनुसार यह गाँव नवदेहरी नामक निराश्रय वृद्ध जनक दीर्घदिन क्यासर रोग में आक्रांत हो जंत्रणा भोगुंट आर्थिक अभाव कारण चिकित्सा भी हो पार नहीं स्थानीय सरपंच आरंभ कर ब्लक प्रशासन जाए गुहारी हेले कहीं शुणुना फिर एवं क्यासर पीड़ित वृद्ध जनक
अवस्था अति गुरुतर हेबा परे प्रतिवाद रे बांकी बैदेशर रास्ता मझे सोही धारणा देछन्ते। रास्ता निर्माण नारे लक्ष लक्ष टंका चलु बिना सूचना फलक करा जाउछि निम्नमानर काम एते सबु परे भी ना कनिष्ठ जंत्री को देखा मिलुछि ना सरकारी जंत्री को पाद पड़ुछे। सेपटे ग्रामवासी अभिजोग परे मुह खोरिछन्ती सरपंच आउ से कहिछन्ती अभिजोग संपूर्ण मिथ्या। देखिबा रिपोर्ट। रास्ता निर्माण रे महा घोटाला निम्नमानर काम करी अर्थ हरिलु अभिजोग गणिले ग्रामवासी। एभली अभियोग आसी गंजाम जिला बुगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत रामगड़ ग्राम पीडब्ल्यूडी रोड ठारु बड़बंध पर्यंत रास्ता निर्माण में निम्न मानर काम करी लक्षाधिक टंका आत्मसात करथिबा अभियोग करिछंती ग्रामवासी। या सो तुरंत ए घटनार तदंत करी कार्यानुष्ठान नेबाकु दाबी करिछंती ग्रामवासी। आमर एक कंक्रीट रास्ता नहीं कि ये बहुत घोटाला काम होम्न मानर काम होमें कलेक्टर लिखी देचु आउ कनिष्ठ जो जेई कहते भी जनईलु सी प्रेजेन्ट थे कम सीमेंट भी खराब सीमेंट कर सगर ये सब सीमेंट करें अभियोग कर थे आगे थी भिजुआल काढ़ाई फोटो काढ़ाई सेपट भी आप भिजुआल पठेदेबू किसी असुविधा ना कि सी किसी शुणार ना चुपचाप बस मन इच्छा शासन कर चलाउ मन इच्छा कर कौन मोर तो बापार जगटा भी आम जमीटा भी खोली देखते कहली मोर ठीक कर दियो सेटा भी कले आम फाउंडेसन पड़ी फाउंडेसन भी फांगा भांगी करदे कहली कले इच्छा मन इच्छा कर चलती किए तो कह बिना सूचना फलक निम्न मानर काम ना कनिष्ठ जंत्री देखा मिलू ना सरकारी जंत्री पाद पड़ी एटी तमर अधे को मोर अधे न्याय चली रास्ता कम आउ आखि थाई अंध पलटि प्रशासन तेरे रास्ता निर्माण में दुर्नीति होता अभियोग आनी ग्रामवासी जिलापाल को लिखित अभियोग करते सुधा फलस्वरूप सेपटे ग्रामवासी आनी अभियोग मिथ्या खंडन कर स्थानीय सरपंच सब जहाँ कहते मिछ कथा कहते आउ पब्लिक भी देखुं लोक भी देखुं आउ ये तो माने अन्य किसी ना लुके रखेद तो पब्लिक बोर्ड शिशु बोर्ड काम हो पदा भी पड़ी आ समस्ते जानते सेमती मो पा कहीं खराब काम कर जहाँ कम होम हो फलगटा लगे आम कल फलटा लिखिदेव कल ठिकादार और स्थानीय प्रशासन मिलीभगत होरिलुट आउ सब जानवि चुप जिला प्रशासन गंजाम बुगुड़ सुब्रत बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। देश पड़ोछे 61तम पुलिस शहीद दिवस भुवनेश्वर रिजर्व पुलिस ग्राउंड में होता शहीद दिवस पालन कोरोना महामारी 41 जन पुलिस कर्मचारी मृत्यु होती से उद्देश्य आज स्मृति सभा करा जायतिला। आज हूँ 61तम पुलिस शहीद दिवस अवसर में शहीद होता पुलिस मानक तोप सलामी श्रद्धाजलि पुलिस डीजी। पुलिस डीजी कहते कर्मचारियों अधिक चैलेंज था कोरोना कोरोना और माओ दमन क्षेत्र में ओडिशा आगे ओडिशा पुलिस 41 जन पुलिस शहीद होती एवं सुधा 400 अधिक प्लाज्मा दान कर सारी कोरोन सुस्थ होती पुलिस कर्मचारी आगक यह संख्या 500 पहुंचा लक्ष्य रखाई कोरोन शहीद होता पुलिस कर्मचारी पर पेंशन सह अन्य राशि प्रदान कोरोन शहीद होता पुलिस कर्मचारी परिवार को सरकार 50 लाख सहायता राशि प्रदान केन्द्र सरकार को अवगत केन्द्र सरकार नदे राज्य सरकार ताकू प्रदान करेंगे पुलिस डीजी। मयूरभंज पुलिस प्रशासन पक्ष बारीपदा रिजर्व पुलिस परेड पड़िया 61तम पुलिस शहीद दिवस पालित हो जाए 1968 मसीह शहीद होता वीर जवान को श्रद्धाजलि देवा उद्देश्य प्रतिवर्ष यह दिवस पालित होवसर में पुलिस बाहन पक्षर् फ्लाग मार्च कर जिला आरक्षी अधीक्षक स्मिथ पी परमार शहीद मान स्मृतिचारण कर श्रद्धाजलि ज्ञापन करते कार्यक्रम में मयूरभंज जिलापाल विनीत भरद्वाज पुलिस विभाग विभिन्न पदाधिकारी इन्स्पेक्टर एसआई एएसआई हबिलदार कनेस्टेबल प्रमुख जोग देथिले। कम छात्र छात्री थिबा स्कूल बंद पाई सरकार को निर्देश परे धारणा रे बसिले ग्रामवासी। संबलपुर कुचिंडा ब्लॉक रे 25 टी विद्यालय बंद हेबा को जाउछे ब्लॉक रो डुमेरमाल विद्यालय बंद होता बेले ग्रामवासी या को विरोध करी धारणा देछते।
चोरी परे चोरर पश्चाताप चोरी करिथबा गाडी को फेरायबा स चिट्ठी लेखि मालिकों को मागिला भूल कहिला आपण को भली लोकर गाडी चोरी करी भूल करिछि के सही लोक चिट्ठी रे कोन लेखिछि चोर आसंतु जानिबा ए रिपोर्ट रे चोरी परे चोरर चिट्ठी भूल करिछि बोली चेतिला चोर फेरायला चोरी करिथबा बाइक बाइक उपरे छाडिकला चिट्ठी देखंतु एही चिट्ठी को जेउठी लेखा होछि आपण को भली लोकर गाडी चोरी करी ए गाडीर मालिक हेउछन्ती गुडला भीमसाररे कार्यरत सिनियर रेसिडेंट डॉक्टर शंकर रामचौधरीकर निज भड़ा घरे बाहर रखिथिबा गाडी गतकाली चोरी होइ जायतिला एहा परे डॉक्टर रामचौधरी गुडला थाना रे लिखित अभियोग करथिले आश्चर्यर विषय चोरटी चोरी करथिबा गाडी को नै गुडला सहरर मध्य भागरे थिबा केनाल निकटरे छाडी दे पळाइछि एवं गाडीरे लागिछि एही चिट्ठी ମୁଁ ରାତି 11:30 10:30 ପାଖାପାଖି ବସ୍ରେ ଗୋଟେ ସାମାନ ଦେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଆସିକରି ଏଠି ଘର ଭିତରେ ରଖିଲି କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ରଜ କଲି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ମୋତେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର କେନାଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଦା ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକର ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଲି ସେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ଲେଖି ସେ ଇତି ତା ନାଁ ଲେଖିନି ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧରାପଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଚୋର ତାର ମାନବିକତା ଦେଖେଇଲା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଚୋରି ଗୁଣ ଛାଡ଼ି ଯଦି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁତପ୍ତ ଚୋର ଖାଲି ବାଇକ୍ ଫେରାଇଲେନି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ସହ ଚିଠି ଛାଡ଼ିଗଲା ଚୋରି ପରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା ଚୋରର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲା ନିଜର ଭୁଲ ଯଦିଓ ବୁର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ଅନେକ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଘାଟ ବସ୍ ଡିପୋଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବା ସିଏନ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ବିତରଣ ଷ୍ଟେସନର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁଜ ମାର୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନବସୃଜନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇ ଦୈନିକ 4 ଟନ୍ର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶ୍ରିତ ସିଏନ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ 50 ବସ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସିଏନ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏହା ଭାରତକୁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଅର୍ଥନୀତି କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।